राहुल गांधी जो हैं जलीकट्टू समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। पोंगल पर मदुरई में जलीकट्टू का खेल शुरू है। आपको बता दें जलीकट्टू का ये खेल शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। गवर्नमेंट इन दिल्ली इज अंडर द इंप्रेशन दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द कल्चर्स ऑफ दिस कंट्री। दे बिलीव that they can suppress the emotions of the Tamil people, they believe they can crush the language of the Tamil people, they believe that they can suppress the spirit of the Tamil people. I came to give them a message that nobody is going to suppress the Tamil spirit. राहुल गांधी मदुरई पहुंचे जलीकट्टू समारोह में शामिल होने पर इस खबर पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने सवाल पूछा कि जो राहुल गांधी कल तक जलीकट्टू का विरोध करते थे, उन्हें जलीकट्टू अच्छा क्यों लगने लगा है। तमिलनाडु में यूं तो जलीकट्टू की परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन इस बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस बार जलीकट्टू को सियासी रंग दे दिया है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के पोंगल पॉलिटिक्स का जीता जागता सबूत है। 2000 साल पुरानी परंपरा के नाम पर पोंगल के दौरान खेला जाने वाला लोकप्रिय लेकिन खतरनाक खेल जलीकट्टू तमिलनाडु में शुरू हो चुका है, जिसमें इंसान बैल से लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। इसमें जरा सी चूक से जान पर बनाती है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कोरोना काल में भी इसके आयोजन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा बैल हिस्सा ले रहे हैं, तो खिलाड़ियों की तादाद 150 तक सीमित कर दी गई है। वहीं दर्शकों की संख्या 50% तक है। तमिलनाडु में आज से अगले दो दिन के लिए पोंगल का त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज पोंगल का त्यौहार शुरू हो चुका है। शुभ मुहूर्त पर यहाँ पे पोंगल को यहाँ पे इस मटके में बनाया जा रहा है। इसी वक्त पर जल्लीकट्टे जैसे खेल भी खेले जाते हैं। पोंगल में बहुत ही मशहूर जल्लीकट्टे खेल अवनियापुरम में आज हो रहा है, जहाँ पे 800 से अधिक बैल वहाँ पे भाग लेंगे। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की मौत के बाद सूबे की सियासत में अब कोई करिश्माई चेहरा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से डीएमके और एआईडीएमके को सियासी मुकाबला चुनौतीपूर्ण लग रहा है, तो बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इसमें मौका देख रही हैं। लिहाजा सूबे में डीएमके की सहयोगी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जलीकट्टू देखने पहुंचे तो उसका पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ा जाने लगा। I'd like to thank everybody for inviting me here today. It was quite a lovely experience to see Tamil culture and history in action. राहुल गांधी पोंगल पर जलीकट्टू देखने पहुंचे तो सूबे की सत्ता पर काबिज एआईएडीएमके ने पोंगल पर ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, जिसमें लुभावनी घोषणाओं और सौगातों की बारिश की जा रही है। कांग्रेस डीएमके गठबंधन इस बार एआईएडीएमके को शिकस्त देकर सरकार बनाने की उम्मीदें संजोए हुए है, तो सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही पलानी सामी सरकार बीजेपी की मदद से फिर से सत्ता में लौटने की कोशिशों में जुटी है, और जलीकट्टू की इन तस्वीरों ने पूरी सियासत के पन्नों को जोड़ दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।